हेलो एवरीवन, दिस इज रुस्तम खान फ्रॉम इंटीग्रल क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक बुलेट एंड गन्स के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो गाइस, बुलेट एंड गन्स के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन। इट मींस m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। तो आइए देखते हैं कि ये फार्मूला बुलेट एंड गन्स में कैसे अप्लाई करते हैं। सो गाइज, अगर आप लोग इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीन अपीयर होगी, आप वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 124 पे एग्जांपल नंबर 9.6 का जो क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, वट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, उसको फायर किया गया है विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड, और जिस पिस्टल का यूज़ किया गया है उसका मास 2 केजी है। आपको बताना है कि पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब होता है गाइस कि जब हम पिस्टल से बुलेट को फायर करते हैं तो पिस्टल पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, और उस फोर्स की वजह से जो पिस्टल में बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जनरेट हुई है उस वेलोसिटी को ही रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। सो गाइस, सॉल्यूशन करते हुए आपको क्या करना है कि आप पिस्टल को मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 और बुलेट को मान लीजिए ऑब्जेक्ट 2। अब यहाँ पर जो फर्स्ट मास है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, 2 kg, क्योंकि यहाँ पर पिस्टल 2 kg की है और जो बुलेट है वो 20 ग्राम की है। तो सबसे पहले आपको इस ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हम 1000 से इसको डिवाइड करके 0.020 kg लिख देंगे। अब गाइस, इनिशियल वेलोसिटी जो पिस्टल की है, क्योंकि पिस्टल इनिशियल में रेस्ट पोजिशन पर है, तो वो 0 होगी, और सेम एज बुलेट भी स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पे है तो U2 भी आपको 0 लेना है। और हर एक क्वेश्चन में गाइज आपको U1 और U2 दोनों ही 0 लेने होंगे हमेशा। अब यहाँ पर क्या है कि जो वेलोसिटी है 150 वो बुलेट की है, तो V2 हो गई बुलेट के लिए, तो V2 यहाँ पर 150 मीटर पर सेकंड, और जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो पिस्टल की है, इसीलिए हमें यहाँ पर V1 फाइंड करना है। अब गाइज, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाना है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। और गाइज, यहाँ पर मास m1 जो है वो 2 पुट किया, u1 0, m2 यहाँ पर 0.20 पुट किया और u2 0, और m1 यहाँ पर वापस 2 और v1 हमें फाइंड करना है, m2 0.20 और v2 150। और गाइज, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये हमेशा ही 0 हो जाएगा बुलेट एंड मास, बुलेट और गन वाले क्वेश्चन में ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 0 वापस 0 और ये 0.20 × 0 ये अगेन 0। तो ये पूरा पार्ट हमेशा लेफ्ट पार्ट आपका 0 रहेगा, और यहाँ से 2 × V1 2V1, और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे और 2 से डिवाइड करके हमारा V1 फाइंड हो जाएगा। सो जब 3 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये -3.0 हो जाएगा, और जब 2 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये -3.0/2 हो जाएगा, और v इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स।